गाइस तुम्हें तो पता होगा कि मेरे पीछे एक ब्लडी ब्लेजर पड़ा हुआ है और ये मुझको जान से मारना चाहता है। पर क्यों? मैंने तो इसको आजाद किया था, पर ये मुझको क्यों मारना चाहता है? तो गाइस आज मुझे कैसे ना कैसे इससे बचना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने मुझे एक भी हिट मार दिया तो मैं पूरी तरीके से खत्म हो जाऊंगा। और तुम्हें पता है यहाँ मैं पिछले 2 दिन से इसी घर में फंसा हुआ हूँ, क्योंकि मैं जब भी बाहर जा रहा हूँ ना वो मेरे पीछे मुझे मारने के लिए आ रहा है। अब मैं इससे बचूँ तो बचूँ कैसे? मुझे कोई ना कोई आइडिया लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, जहाँ से मैं इसको लेके आया था उस वाले विलेज से, वहाँ पर इसको कैद कर रखा था, तो वहाँ पर मुझे कुछ ना तो कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी जिससे मैं इससे बच सकूँ, या फिर वहाँ मुझे कोई विलेजर इसके बारे में बता दे। तो चलो एक काम करते हैं, शायद ये रात को ही आता है, सुबह नहीं आ पाता, इसलिए हम एक बार को सो जाते हैं और सुबह करते हैं, क्या पता ये सुबह वहाँ पर हो ही ना। अब बाहर चल के देखते हैं, शायद ये यहाँ पर मुझे अभी दिखाई तो दे नहीं रहा। ओ ये तो मेरे पीछे ही है। ओ शिट शिट, जल्दी गेट खोल, गेट खोल, क्योंकि भाग भाग मार देगा। ओ शिट भाई, अभी थोड़ी थोड़ी इंच से बचाओ, मैं अभी एक हिट मार के खत्म कर देता ये मुझको। भाई मैं क्या करूँ इससे, मैं कैसे बचूँ? एक काम कर सकता हूँ, शायद काम कर जाए मेरे ख्याल से। इसको मुझे ना कैद करना पड़ेगा इसी घर में, पर ये ज्यादा टाइम के लिए कैद नहीं हो पाएगा, पर मुझे यहाँ से भागने के लिए थोड़ा सा तो टाइम मिल ही जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रैपडोर हटा देते हैं, तो मुझे यहाँ से पहले उसे बुलाना है और उसके बाद यहाँ से फटाफट से निकल जाना है। तो यहाँ से काम करते हैं, ये जो ग्लास है और ये तोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ से उसकी एंट्री कर पाएंगे। हाँ ये भी आ गया है, ओके ओके, ये मैंने ब्लॉक्स हटा दिए, अब ये भी आ जाएगा, ठीक है ठीक है। अब बस यहाँ से बटन खोलना है, भगना है। नहीं यार बटन तो खुला ही नहीं, निकल 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 फटाफट फटाफट, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। ओ यार बंद नहीं हो पाया, ओ शिट यार, जल्दी भाग 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 भाग, आ रहा बहुत तेज से आ रहा है ये। तो गाइस मैंने बहुत देर तक इसको अपने पीछे भगाया और फाइनली मैंने इसको अपने घर में कैद कर दिया। ओके ओके, कैद तो मैंने इसको कर दिया, अब फटाफट विलेज चलते हैं, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक कैद नहीं हो पाएगा, मुझे उससे पहले विलेज जाके उनसे पूछना पड़ेगा। तो चलो फिर फटाफट विलेज चलते हैं और उनसे पूछते हैं। ओके मैं फाइनली विलेज में पहुंच चुका हूं और मैंने इसको यहां से आजाद किया था। मैं कितना पागल था, मैं इसको यहां से आजाद कर दिया था, जबकि यहां पर लिखा था कि डोंट ओपन। अब पछताने से क्या फायदा, बस विलेज से पूछूं। भाई यार प्लीज कोई तरीका बता दे, मेरे पीछे ब्लडी विलेजर पड़ चुका है और वो मुझे मारना चाहता है, मैं क्या करूं प्लीज बता दे, कि हम दोबारा उसको इसमें कैद कर सकते हैं यार, प्लीज कोई तो तरीका होगा बता दे। देख मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जो कि मैं तुझको बता दूं, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ पर कैद किया था और तूने बड़े इजी तरीके साथ इसको आजाद कर दिया। अब तुझे पता है हम इसको मार भी नहीं सकते हैं, ये हमारे एल लगा देगा, अब तू ही देख, हमें नहीं पता, और तू यहाँ से चला जा। तो गाइस इनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे मैं उनको मार सकूं, लेकिन इसने मुझे एक डायमंड आर्मर और सॉर्ड और एक मैप दिया था, जहाँ पर जाके मुझे कोई ऐसी चीज मिलेगी जिससे शायद मैं उसको मार सकूं, लेकिन ये पक्का नहीं है। और इसने ये भी कहा है वहाँ पर कोई मास्टर विलेजर होगा जिससे तुम्हें पंगा नहीं लेना है। तो चलो फिर चलते हैं और जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या ऐसी चीज है जिससे मैं उसको मार सकूं। ये मास्टर विलेजर कौन है, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया उसने, अब जाके ही पता चलेगा। तो गाइस फाइनली मैं मैप को फॉलो करते करते उस जगह पे पहुंच चुका हूं। पर गाइस यहां पर कुछ अलग तरीके के घर है। गाइस जैसे ही मैं विलेज में एंट्री करा, ऊपर लिखा हुआ आ गया विलेज मास्टर, तो ये है जिससे हमें पंगा नहीं लेना है। अब बस वो चीज कहां है जिसकी मैं तलाश में यहाँ पर आया हूँ, मुझे फाइनली वो चीज मिल जाए मैं यहाँ से कट लूंगा। गाइस देखो सामने ही मुझे वो चीज दिख रही है, बट इसमें क्या है? ओ इसमें तो शॉर्ट है भाई, इसमें तो शॉर्ट रखी पड़ी है, क्या शॉर्ट के बारे में ही बोल रहा था वो मुझको? हाँ शायद यही हो सकती है, और उसके बगल में यही है विलेज मास्टर। अगर मैं इसको छूं क्या वो मुझे मारेगा? शायद वो मुझको मार सकता है, एक काम करते हैं मैं उससे पहले पूछ लेता हूँ। तो गाइस जब मैंने उससे पूछा क्या मैं इस शॉर्ट ले जा सकता हूँ, पर वो इस बात से चिढ़ गया और उसने अपने बहुत सारे विलेजर को कर दिए और मुझ पे अटैक करने लगा। मैं फटाफट वहां से निकल गया, पर ये मुझको मार क्यों रहा है, मैंने तो जस्ट पूछा था उससे। तो इसका मतलब है कि वो सॉर्ड हमें देना नहीं चाहता और विलेजर ने कहा था कि इससे पंगा नहीं लेना है, तो इसके बीच का कोई रास्ता मुझे निकालना पड़ेगा। हाँ हम एक काम कर सकते हैं, हम उससे बिना लड़े वो सॉर्ड लेके भाग सकते हैं, शायद उसे इस बात का पता भी नहीं चलेगा। तो चलो फिर यही करते हैं, यही बेसिक हमारा प्लान होगा और वहां जाके बस वो सॉर्ड को लेके भाग लेंगे। तो गाइस ये प्लान तो मुझको इजी लग रहा था, लेकिन जब मैं सॉर्ड की तरफ बढ़ा तो उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और बहुत गंदा अटैक कर दिया। तीन हट से मैं वहां से भागा हूं। नहीं 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 यार इस तरीके तो मैं उससे मर जाऊंगा, बट मुझे कैसे ना कैसे ये सॉर्ड को लेके जाना ही है। अब मुझे लगता है मुझे उससे लड़ना ही पड़ेगा। ओके ओके ये मेरे सामने, मुझे बस इसको हिट करना है, हिट करना है भाई, इसकी हेल्थ बहुत ज्यादा है, लेकिन वो शिट इसने विंड कर दिया भाई, इसका अटैक कितना ज्यादा खतरनाक है। मुझे बस इससे आराम आराम से लड़ना है, मुझे इससे फंसना नहीं है।
ओके ओके मैं रेडी हूँ। ओके एक बार फिर से इसने वही कर दिया। एक मिनट फंस गया मैं। वो एक काम करता हूँ, बगल में ही है, स्टोर लगा के चढ़ जाता हूँ। एक मिनट रुक जा बस। दो हार्ट है लेकिन मुझे फटाफट से उसको लेना है। ओके मैं घुस गया बस। ओके फाइनली मेरे हाथ में शॉट आ गया। अब भागो जितनी तेज यहाँ से निकल सकते हो ना निकलो, बस वो मेरे पीछे नहीं आना चाहिए। गाइस ये मैंने कैसे किया ये मुझको भी नहीं पता। अगर मैं इससे लड़ता ना कसम से बहुत गंदा मरता, इसकी हेल्थ बहुत ज्यादा है। उस विलेजर ने सही कहा था कि मुझे इससे लड़ना नहीं है वरना तुम मर जाओगे। चलो मुझे शॉट तो मिल ही चुकी है, अब फटाफट विलेज चलते हैं और वहां जाके फिर उसको बताते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर विलेज की तरफ पहुंच चुका था, लेकिन जब मैं विलेज की तरफ पहुंचा और मैंने देखा कि मेरा ब्लडी विलेजर वो हर विलेजर को मारता जा रहा था। अरे यार ये ब्लडी विलेजर यहाँ पर क्या कर रहा है, मैंने तो उसको कैद कर रखा था। मुझे पता था ये ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, पर ये यहाँ पर क्यों आया है और ये सबको मार क्यों रहा है। पर अब ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा, इसको पता नहीं है मेरे हाथ में सॉर्ड है जिससे मैं इसको मार सकता हूँ। तो चलो मारते हैं इसको। कहाँ पर है ये? ओ ये रहा। ओ उसके पीछे जाने से पहले मुझसे लड़, अबे मार दिया इसको। आजा मुझसे लड़के दिखा, अब मैं मारूंगा तुझे। तूने मेरा दिन बहुत खराब करे है, आजा तेरी मैं किस्मत खराब करता हूँ। आजा ये ले आजा मेरे पीछे तो आ एक बार। आजा मुझे बस इससे बचते बचाते इसको हिट मारते जाना है। बट ये मुझे अभी भी मार सकता है तो मुझे कैसे ना कैसे इसको मारना ही पड़ेगा। भाई ये बहुत तेज है, भाई कैसे घुमाता है कुछ समझ में नहीं आता। अरे यार ये मर क्यों नहीं रहा, कहीं उस विलेजर ने झूठ तो नहीं बोला? यार ये मर ही नहीं रहा मैंने। अरे ये कौन आ गया? वो तो वार्डन है। वो मुझे हिट पड़ गया। शिट। भाई वार्डन यहाँ क्या कर रहा है? भाई वार्डन इससे लड़ कैसे रहा है? लेकिन मर गया। बट वार्डन यहाँ क्या कर रहा है और ये छोटा सा वार्डन क्यों है? एक सेकंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये वार्डन ही है ना? हाँ वार्डन ही है, बट ये यहाँ कर क्या रहा है? एक मिनट पहले मैं शॉर्ट चेक कर लूँ कि शॉर्ट कौन सी है। वार्डन शॉर्ट? एक मिनट, ये वार्डन की शॉर्ट है? हैं? ये कुछ समझा नहीं मैं। और ये कहाँ गायब हो गया? तो गाइज आई होप ये वीडियो तुमको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो तुमको कैसी लगी। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।